भाई जी ये बाल्टी जो है 16 किलो की बाल्टी है। ठीक है। हाँ मतलब पहले बरात में जाया करते हाँ। तो पटड़ा पचड़ने वाला इसमें नहा के जाया था, इतनी बड़ी बाल्टी स्टार्टिंग से ही हमें भाई एक ब्रांडेड लेने का ही कोई भी चीज हुई और घर में भी मान के चलो कोई भी चीज कपड़े लत्ते से लेके हमने ब्रांडेड ही ब्रांडेड ही ली। भाई संदेश तो यही है कि कोई भी काम करे पैशन से करे, जुनून से करे। जब तक जुनून पैशन नहीं होगा तब तक देखो कोई भी काम नहीं बिल्कुल। ये जो काम है भाई ये एक मतलब व्यवहार का है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो व्यापार अच्छा चल जाएगा, अगर आपका व्यापार ठीक चल जाए और व्यवहार अच्छा नहीं तो वो व्यापार भी खराब हो जाएगा। जी जी जी। घोड़े तो हमारे को जो गांव में जाना जाता है वो घोड़ी वालों के नाम से। अच्छा, घोड़ी वालों के नाम से। हाँ। और जो हमारे को जो हॉर्स राइडिंग है वो भी मेरे को बहुत अच्छी आती है। अच्छा। जब मैं 17-18 साल की एज में था जी, मेरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली की है। ठीक है। ठीक है, तो उस टाइम पे और MBA फाइनेंस किया हुआ। ठीक है। एक पैशन था, एक जुनून था मेरे को। हाँ। क्योंकि ये मेरा एक पेरेंटल काम था। ठीक है। ठीक है। हाँ। और पेरेंटल ऐसा नहीं कि मेरे फादर साहब कोई एक बफेलो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, ऐसा नहीं है। जी। एक घर में 30-40 पैसे होती थी स्टार्टिंग से शौक का। ठीक है। जो रखने का जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आज लाइव मिल्किंग आप सब पशुपालक भाइयों के सामने रणदीप मलिक डेयरी फार्म से और जो 5 से 6 मुर्रा के पशुधन हैं उनकी लाइव मिल्किंग रणदीप सर दिखा रहे हैं यहां पे। और ये आप देख सकते हैं जो मैं मिलवाना चाहूंगा रणदीप सर से। नमस्कार रणदीप सर। नमस्कार भाई। तो क्या मिल्किंग में क्या चीज़ चेक करवा रहे हो आज पशुपालक भाइयों को? भाई ये जो लोड जा रहा है मेरा पुना। ठीक है। उन भैंसों की मिल्किंग है। ये आप देख सकते हैं जो पूना के लिए जो रवाना होंगी जो दूसरे राज्य के जो महाराष्ट्र में जा रहा है पशुधन उनके लिए जो बफलो सिलेक्ट करी हैं 6 बफलोज हैं उन्हीं की मिल्किंग। ये आप खाली बाल्टी देख सकते हैं तो दो दो चार चार धारे मार के दिखाएंगे। ये खाली बाल्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं और हो गया आपका भी खाली बाल्टी दिखा दो एक बार उल्टी करके। ये खाली बाल्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है, करें शुरू करें तो सर चुवाई वगैरह खुद अपने हाथ से आप चेक करते हो सारी चीजें? बिल्कुल भाई। ठीक है। अपने हाथ से पास करके तब मैं वैसे आगे जी जी नहीं है कि एक बार मैं थोड़ा सा जरूर नजदीक से दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं साफ सटीक और मोटी धारे किसी तरह का छर्रा वगैरह या इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिला। साफ और सटीक जो चुवाई है वो आप पशुधन की यहाँ पे देख सकते हैं। जो रणदीप मलिक सर का जो दूध निकालने का तरीका है वो आप देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि न सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि एक अच्छे अनुभवी हैं और पशुधन को लेकर के ये आप देख सकते हैं जो चुवाई करने का जो तरीका है मुट्ठी से जो दूध निकाल रहे हैं पशुधन को पता भी नहीं लग रहा तो हाथ भी नहीं लेगा भाई। बिल्कुल। तो सर जितना दूध बताया सारा सच्चा और खरा दूध मतलब ओके रिपोर्ट है भाई। ठीक है, करे शुरू करे। एक पशुधन और है ये आप देख सकते हैं जो मिल्किंग है साफ सटीक और मोटी धारे पशुधन की आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और एक पशुधन और है इसकी और धारे आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटी धारे हैं बिल्कुल और शांत स्वभाव का जितना भी पशुधन सर ने दिखाया अपने डेयरी फार्म से बिल्कुल शांत स्वभाव का। तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो अंगूठे से दूध निकालते हैं और जो मुट्ठी से निकालते हैं उसके क्या कुछ मेरिट और डिमेरिट्स क्या 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 हैं उनके? भाई देखो ऐसा है संदीप भाई जी, अंगूठे से तो 2-4-5 भैंसों की निकालते ही इंसान का अंगूठा दर्द करना लग जाएगा या हार्ड इतना हो जाएगा यहाँ से हम एक हरियाणवी भाषा में बोलते हैं अटन हो जाएंगे। बिल्कुल अंगूठे पे। बिल्कुल। लेकिन हम एक मुट्ठी से दूध निकालते हैं उसका तो एक अलग ही मजा होता है जी, चाहे हम 30-35 भैंसों का दूध निकाल ले। ठीक है। अभी तो भाई जी ये मान के चलो एज मान के चलो 34-35 साल की एज हो गई है। हाँ, हाँ, जी ठीक है।
जब मैं 17-18 साल की एज में था जी, मेरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली की है, ठीक है ठीक है, तो उस टाइम पे और MBA फाइनेंस किया, ठीक है, एक पैशन था, एक जुनून था मेरे को, हाँ, क्योंकि ये मेरा एक पेरेंटल काम था, ठीक है ठीक है, हाँ, और पेरेंटल ऐसा नहीं कि मेरे फादर साहब कोई एक बफेलो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, ऐसा जी, नहीं है जी, एक घर में 30-40 पैसे होती थी, स्टार्टिंग से शौक था, ठीक है, जोकिया रखने का जी, ठीक है, तो तभी से मतलब एक शौक था मेरे को जी, हाँ, घोड़ियों का और अच्छी भैंसों का। अच्छा, तो घोड़े वगैरह भी कभी रखे हैं? घोड़े तो हमारे को जो गांव में जाना जाता है वो घोड़ी वालों के नाम से। अच्छा, घोड़ी वालों के नाम से। और जो हमारे को जो हॉर्स राइडिंग है वो भी मेरे को बहुत अच्छी आती है। अच्छा, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं हर एक चीज में परिपूर्ण, और जो पशुधन है, जो वेन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ मोटी वेन्स, जो नसों का जो जाल है पशुधन के अड्डर में देखने को मिला, और जो बेहतर चुवाई करने का जो रणदीप मलिक सर का जो तरीका है वो मैं आप सब पशुपालक भाइयों को दिखा रहा हूँ। तो सर, वीडियो के माध्यम से कोई और संदेश हमारे पशुपालक भाइयों को? भाई, संदेश तो यही है कि कोई भी काम करे पैशन से करे, जुनून से करे जी, जब तक जुनून पैशन नहीं होगा, हाँ, तब तक देखो कोई भी काम नहीं जी होगा। जी बिल्कुल, तो भाई एक ही चीज है जी, माल कम खरीदे, हाँ, ऐसे 10 की जगह 8 खरीदे, ठीक है, लेकिन ब्रांडेड लें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। स्टार्टिंग से ही हमें भाई एक ब्रांडेड लेने का ही, कोई भी चीज हुई, हाँ, ठीक है, भैंस ली जी, गाय कम खरीदते हैं, ठीक है, गाय मिलेगी हमारे पास वो भी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, जी, वो भी टॉपर क्वालिटी की रखी, हाँ, ठीक है, हाँ, और घर में भी मान के चलो कोई भी चीज कपड़े लत्ते से लेके हमने ब्रांडेड ही ली हाँ, है। ये आप देख सकते हैं जो शौक है वो हर एक चीज सिलेक्टेड और ब्रांडेड चीजें रखने का शौक है। बाकी दूध पशुधन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सर क्या कुछ दूध उम्मीद हम लगा सकते हैं पशुधन से? कम देगी तो 22 किलो देगी, ऊपर चाहे कितना ही दे दो, अच्छा ठीक ठाक, कम से कम 22 किलो निकल जाएगा अगर डिजीज नहीं आती है जी, तो नॉर्मल 22 किलो दूध देगी, तो 23 भी दे सकती, 24 भी दे सकती। ये आप देख सकते हैं 22 किलो की मिल्क कैपेसिटी है। पशुधन जितना भी है सारा सिलेक्टेड पशुधन चुवाई, एक एक की मैं दिखाना चाहूँगा, एक रेफरेंसिक तौर पे ये वीडियो है, और ये आप देख सकते हैं साफ सटीक और मोटी धारें, जितने भी इनके डेयरी फार्म पे काम करने वाले हैं हर एक तरह के काम में निपुण हैं, और दूध वगैरह है अच्छे तरीके से निकालते हैं। तो ये पशुधन आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, आप दो चार धारे पहले उसमें मार दो, ये आप देख सकते हैं जो दूध है यहाँ पे सभी पशुपालक भाइयों के सामने, और करीब करीब कम से कम 22 के करीबन दूध बता रहे हैं, बाकी एक बाल्टी में दूध आया नहीं भाई जी, ये बाल्टी जो है जी 16 किलो की बाल्टी है, ठीक है, हाँ, मतलब पहले बरात में जाया करते, हाँ, तो पटड़ा पचड़ने वाला इसमें नहा के जाया था, इतनी बड़ी बाल्टी जी। ये आप देख सकते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी तरह बातें भी अच्छी खासी कर लेते हैं। तो एक पशुधन और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मिल्किंग है, या मैं दिखाना चाहूंगा पशुपालक भाइयों को नजदीक से, तो कैसी है? नरम चुवाई है भाई, बिल्कुल नरम चुवाई है। कितने टाइम से काम कर रहे हो? 3-4 साल से रणदीप सर के पास ही? अच्छा, दूसरे डेयरी अभी नए आए हो। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी काम करने वाले हैं सबका अच्छे से अनुभव है, और मिल्किंग से लेकर के जो पशुधन को जो दाना चारा डालने की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी समय समय पे अपनी निभाते रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं, एक और नज़दीक से मैं कवर करके दिखाना चाहूँगा, न सिर्फ वो बफलो, ये आप देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बाल्टी में आ जाएगा सारा दूध? नहीं आएगा, बदलनी पड़ेगी। ठीक है, चुवाई कैसी है? नरम चुवाई है। बाल्टी ले आए दूसरी, कोई बात नहीं सर, नहीं है तो इसको खाली करके दे दो, अब ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं सुस्पष्ट, जो शाम का समय है मौका मिला, 5 से 6 पशुधन थे इनकी मिल्किंग, और रणदीप सर से कुछ बातें करने का जो समय मिला उसके लिए मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से जी। ये बच्चे के लिए, बच्चे के लिए दूध, तो बाल्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छी खासी बड़ी बाल्टी है, बच्चे के लिए दूध जरूर छोड़ा गया है यहाँ पे, और न सिर्फ चुवाई बल्कि काफ़ी सारी ज्ञानपूर्वक बातें भी बताई। एक बाल्टी खाली आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ठीक है एक बाल्टी और यहाँ पे, एक नहीं बल्कि दो, ये आप देख सकते हैं, ठीक है संदीप भाई, एक बाल्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बाल्टी आपको भी चाहिए?
अच्छा ये आप देख सकते हैं, बता रहे हैं एक बाल्टी और चाहिए, तो सर खाली करके दे दो एक बाल्टी और इनको। इन भाइयों ने ये बैजली जिनसे आपकी बात हुई है, तीन तीन चार चार पांच पांच टाइम मिल्किंग करके लिए, मतलब पूर्ण रूप से जब संतुष्ट हुए हैं तभी इनको फाइनलाइज किया गया। हाँ, जी ठीक है। हाँ मैं एक ही बात कहता हूँ जी, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, हाँ वो क्या करते हैं भाई, हम तीन टाइम वीडियो में देख के तीन टाइम दूध देखेंगे, चार टाइम देखेंगे, पांच टाइम देखेंगे, दूध देख लो दो बार टाइम तीन टाइम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैंस पसंद है, मिल्किंग पसंद है, रेट पसंद है, पहले बयाना देना पड़ेगा अगर मेरे पास कोई आएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। बिल्कुल, दूध पक्का भैंस हमारी, दूध कच्चा, ऐसा थोड़ी किसी को बांध के रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आज की डेट में बांध के रख दिया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, देख लो सुबह देख लो, कोई किसान नहीं दिखाता। बिल्कुल, करनी और कथनी में अंतर है, डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बता रहे हैं जो टोकन मनी बयाने के तौर पे जिसको हम कहते हैं, वो कुछ परसेंट अमाउंट हमें सबमिट करानी पड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है आप ये किसी पशुधन को अगर फाइनलाइज कर भी दें और अगर हमारे पशुपालक नहीं लेते तो फिर कहीं ना कहीं वो नुकसान भी होता है। पशुपालक भाई जो खरीदने वाला नहीं लेता तो वो भैंस अगर जुबान की है तो मेरे खूंटे पे आएगी। जी जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल एक चीज बताओ फिर बयाना किस लेते हैं। बिल्कुल ये जो काम है भाई ये एक मतलब व्यवहार का है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो व्यापार अच्छा चल जाएगा, अगर आपका व्यापार ठीक चल रहा है और व्यवहार अच्छा नहीं तो वो व्यापार भी खराब हो जाएगा। भले ही आप एक पशुधन रखें लेकिन अच्छा और जेन्युइन पशुधन रखें तभी उसे न सिर्फ आपके परिवार का भरण पोषण होगा बल्कि हरियाणा में जो मुर्रा का जो डंका बजता है उसको भी कहीं ना कहीं एक अच्छी पहचान मिलेगी। तो ये लाइव मिल्किंग थी रणदीप मलिक सर के डेयरी फार्म से, उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी, मिलते हैं फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।